बेटा वो इंटरनेट का इशू हो गया था, तो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर गया था, डिसकनेक्ट हो गया था, दोबारा से कनेक्ट हुआ है। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। चले बहुत अच्छी बात है। तो वो इंटरनेट कनेक्शन बेटा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से डिसकनेक्ट हो गया था, तो वापस आ गया हूँ मैं। अब तो हम लोग बेसिकली आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि इफ़ देयर आर थ्री सीडी राइटर्स इन योर सिस्टम देन इट मींस के जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब वो रिसोर्सेज की लिस्ट बनाएगा ना, तो रिसोर्सेज की लिस्ट के अंदर वो लिखेगा सीडी राइटर रिसोर्स एक है, लेकिन उसके अगेंस्ट लिखेगा तीन कि अवेलेबल तीन है रिसोर्स एक। ये नहीं है तीनों को सेपरेट रिसोर्स के तौर पर नहीं लिखेगा, रिसोर्स एक ही लिखेगा, लेकिन उसके इंस्टेंसेस कितने लिखेगा? तीन। तो जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस होता है ना रिसोर्सेज का, तो वहां तो हमारे पास डेडलॉक के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, और जहां पर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं रिसोर्सेज के, वहां पर फिर हमारे पास जो है वो कम चांसेस होते हैं आपके डेडलॉक के। हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस कर जाते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या है कि जब प्रोसेस ने किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, यूज करना है, तो वो ये नहीं है जी कि डायरेक्ट उस रिसोर्स को पकड़ेगा और उसको यूज करना शुरू कर देगा, उसके साथ काम करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों के पास उसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट करेगा, फिर यूज करेगा, फिर उसको रिलीज कर देगा, ठीक है जी। ये सेमाफोर्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये भी हमारे पास एक टेक्निक है फॉर द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्या लें जी के प्रोसेसेस। इसके अंदर हमारे पास यही होता है कि आप लोग एक तरतीब के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, एक लाइन में आप लोग जो है ना वो प्रोसेसेस को लगा देते हैं और प्रोसेसेस जो है ना उस लाइन में अपना काम करते हैं। इसको हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में देखते हैं कि सेमाफोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसको कैसे हम लोग डेडलॉक में यूज कर सकते हैं? ये बेसिकली चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके अगर होने से हमारे पास डेडलॉक अगर हो जाता है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने दो इनमें से रीड भी कर ली थी, दो के अगेंस्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, होल्ड एंड वेट क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मुराद ही होता है कि हम लोग समटाइम कहते हैं ना आप लोग भाई के दो लोग, चार लोग या छह लोग जो है वो म्यूचुअली बेटा म्यूचुअली आपस में डिसाइड कर लें। ये बात हम म्यूचुअली जो बोलते हैं कि म्यूचुअली आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, इसका मतलब क्या होता है? आपसे कहा जाता है कि म्यूचुअली डिसाइड कर ले तो इसका क्या मतलब होता है? म्यूचुअली का मतलब होता है मिलके आप लोग काम कर ले। म्यूचुअली आप लोग डिसाइड करने से मुराद ही होता है मिलकर आप कोई काम कर लें, ठीक है। अगर मिलकर काम करने से मुराद ही क्या होता है, मिलकर काम करने से मुराद होता है कोई चीज जिसको आप शेयर कर सकते हैं, जिसको आप शेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन शेयरेबल होते हैं, रिसोर्सेज जो कि नॉन शेयरेबल होते हैं। तो अगर हमारे पास नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होंगे और नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को एक वक्त में आप लोगों के पास आपके
प्रोसेसेस शेयर करने की कोशिश करेंगे। आपके प्रोसेसेस जो हैं एक वक्त में उस नॉन शेयरेबल रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, यूज करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो डेडलॉक अकर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्स नॉन शेयरेबल है। वो नॉन शेयरेबल से मुराद ये है कि अगर एक प्रोसेसर के पास है तो वही प्रोसेस सिर्फ उसको यूज कर सकता है, बाकी प्रोसेसर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। अगर बाकी प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि बाकी प्रोसेस जो है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो उसको यूज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास डेडलॉक अकर हो जाएगा। डेडलॉक अकर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहां पर आप लोगों के पास सामने लिखा भी हुआ है कि ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज द रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि देयर आर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज। जब हमारे पास नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं तो हमारे पास वहां पर डेडलॉक अगर होता है, तो नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे होते हैं। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो डेडलॉक अगर हो सकता है। होल्ड एंड वेट के बारे में, आप एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। ऑक्यूपाई करने से मुराद ये कि होल्ड करके बैठे हुए हैं। एक रिसोर्स आपके पास है और दूसरे रिसोर्स के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको, और वो रिसोर्स आपको एलोकेट नहीं हो रहा। दूसरे रिसोर्स के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिसोर्स आपको एलोकेट नहीं हो रहा क्योंकि वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स के यू आर वेटिंग फॉर दैट रिसोर्स। अगर आप उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, एक रिसोर्स आपके पास है, वो दूसरा रिसोर्स आपको मिल नहीं रहा, जब तक वो रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। और इसका मतलब है कि आप तो एग्जीक्यूशन ही नहीं कर रहे। अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि हमारे पास डेडलॉक स्टेट जो है अगर हो गई है। मीन्स होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग अनदर वन, ठीक है जी। और दूसरे किसी रिसोर्स को वायर करने की कोशिश कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, देन आप लोग कहते हैं जी कि यू आर होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अदर। तो हमारे पास इस कंडीशन की वजह से भी डेडलॉक जो है वो अकर हो जाता है। थर्ड वन है दैट इज नो प्रीएम्पशन। थर्ड वन है दैट इज नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या होती है जी, जरा मुझे बताएं। प्रीएम्पशन क्या होती है? प्रीएम्पशन से क्या मुराद है? जरा मुझे गाइड करें ना बेटा, प्रीएम्पशन से क्या मुराद है? शाहजेब कह रहा है प्रीएम्पशन उसको कहते हैं जब एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। जी तैयब, जी बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा बताएं, मुझे कोशिश करें बताने की प्रीएम्पशन किसको कहते हैं। ये तो अभी आप सामने लिखा हुआ है ना, अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस को छोड़ना है, कंप्लीट करने पे नहीं छोड़ना। आप हम लोग प्रियम्पशन पढ़ के नहीं आए एसजेएफ के अंदर, प्रायोरिटी के अंदर। प्रियम्प्ट करने का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन था, उसको रन टाइम पे छोड़ दें, ठीक है जी। उसको अंडर एग्जीक्यूशन छोड़ दें, किसी दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर दें जी, रनिंग में छोड़कर। वेरी गुड। तो तैयब ने सही बताया, लेकिन जो है थोड़ा सा हमारे पास कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो राबे ने बताया ये ज्यादा अच्छा है कि उसने उर्दू में हमें बता दिया है, उसकी समझ भी हम सबको लग जाएगी आसानी के साथ। कि एक रनिंग में प्रोसेस को रनिंग में छोड़ना, दूसरे को स्टार्ट करना,
इसको प्रियम्पशन कहते हैं। तो आप मुझे बताएं क्या जो रिसोर्सेज हैं वो प्रियम्प्ट हो सकते हैं? नो प्रियम्प्शन लिखा हुआ है ना, रिसोर्सेज नहीं प्रियम्प्ट होते बेटा, प्रोसेस प्रियम्प्ट होते हैं। आप प्रोसेस को छोड़ सकते हैं कि रनिंग में था उसको छोड़ दिया, उसकी स्टेट को सेव किया पीसीबी के अंदर और आपने नया प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट कर दिया, नए प्रोसेस की स्टेट को लोड कर लिया और आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब रिसोर्सेज प्रियम्प्ट नहीं होते। अगर रिसोर्सेज प्रियम्प्ट हो रहे होते तो फिर एक प्रोसेस से रिसोर्स को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रोक दिया जाता और दूसरा प्रोसेस जो है उसका काम कर लिया जाता। इस वजह से भी हमारे पास डेडलॉक क्रिएट होता है क्योंकि रिसोर्सेज प्रियम्प्ट नहीं होते, रिसोर्सेज प्रियम्प्ट हो नहीं सकते, रिसोर्सेज को आप लोग प्रियम्प्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यहां पर जो कंडीशन लिखी हुई है, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, जो जिसकी वजह से डेडलॉक अकर होता है, दैट इज नो प्रियम्प्शन। वो कहता है कि रिसोर्स जो है वो आपके प्रोसेस आपके रिसोर्सेज को वॉलंटरली तो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन वो कब रिलीज करेंगे? तभी रिलीज करेंगे ना जब आपका उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका एक प्रोसेस है वो प्रिंटर को यूज कर रहा है, जब उस प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके प्रिंट आउट सारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन वो जाके आप लोगों के रिसोर्स को रिलीज करेगा। अदरवाइज ये तो नहीं है, वो दरमियान में 25 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो कि प्रिंट हो रहा था, जिसमें से 15 पेजेस जो है वो प्रिंट हुए हैं, तो उसने कहा चलो मैं रिसोर्स को रिलीज कर देता हूँ, आप यूज कर लें, मैं 10 पेजेस बाद में प्रिंट कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, रिसोर्स को प्रिंप्ट नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई कहा जाता है यार कि अगर रिसोर्स को आप लोग प्रिंप्ट नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास डेडलॉक अकर हो सकता है, डेडलॉक अकर होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली होंगे। और एट द एंड जो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज सर्कुलर वेट से मुराद ये है कि आप लोगों के पास देयर आर मेनी प्रोसेसेस, जस्ट लाइक जैसा कि उसने यहाँ पर आपको एक सेट दिखाया हुआ है जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है 0, P0 से लेके PN तक आपके पास प्रोसेसेस हैं। सर्कुलर वेट से बेटा क्या मुराद है? एक सर्कल क्रिएट होगा कि P0 ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, P0 ने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और वेट कर रहा है उस रिसोर्स के लिए जिस रिसोर्स को P1 ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है जी। एक सर्कल क्रिएट होना है, वो सर्कल कैसे क्रिएट होना है कि P0 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि P1 के पास है और P1 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि P2 के पास है। इसी तरह हमारे पास P2 हम कहते हैं जी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि PN-1 के पास है और PN-1 किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि PN के पास है और PN किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि P0 के पास। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ अगर आपको ड्रा करके बता सकूं कि मींस हमारे पास दिस इज P0 और तो ये P0 है, P0 इज रिक्वेस्टिंग फॉर ऐसे रिसोर्स की बात कर रहा है R1 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंड R1 इज असाइन टू P1, ठीक है जी। P1 रिक्वेस्टिंग फॉर किसी ऐसे रिसोर्स की बात कर रहा है दैट इज जो के असाइन है, किसको असाइन है ये R-1 PN-1 को, और PN-1 जो है वो किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, किसके लिए रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स ऑफ फॉर RN और RN का जो रिसोर्स है ये किसके पास है, ये PN के पास है और PN जो है किसी ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो के R0 है और ये जो R0 है ये किसके पास है, P0 के पास। तो ये सर्कुलर वेट बन जाएगा बेटा या नहीं बनेगा, जरा इसको देखें। ये जो मैंने अभी ड्रा किया है, P0 ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P1 के पास है और P1 किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि PN-1 के पास है और PN-1 किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि PN के पास और PN किसी ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि P0 को, मींस के सर्कल बन गया।
सर्कुलर वेट इसी को कहा जाता है, सर्कुलर वेट इसी को कहा जाता है। तो अगर हमारे पास इस तरह का सर्कल बन रहा है तो इस केस में भी हम लोग कहते हैं जो डेडलॉक, डेफिनेटली डेडलॉक अगर होगा, रिसोर्सेज फ्री होंगे ही नहीं, जब तक मुझे सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकता। अब मैं कहता हूँ जी आप वो रिसोर्स को छोड़ें, वो कहता है मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा तो छोड़ूंगा, तो रिसोर्सेज की प्रीएम्पशन तो होती नहीं है। अब दरमियान में आप लोगों के पास रिसोर्स को छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसी तरह हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट हैं, रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं। तो मेरे पास एक होकर मैं सारे प्रोसेसेस जो काम कर रहे हैं उनको, उनकी एग्जीक्यूशन तभी कंप्लीट होनी है जब उनके पास सारे रिसोर्सेज होंगे। तो इसके लिए हमारे पास आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इस डेडलॉक से बचना कैसे है। हमने कोशिश करनी है कि ये जो चार हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो चार कंडीशंस हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, इनकी वजह से हमारे पास जो है जी क्रिएट हो रहा है, इनसे कैसे बचा जाए। नहीं शाहजेब, डेडलॉक आपको इस तरह लग रहा है और लॉकडाउन ये है कि आप सिस्टम सिस्टम ऑफ कर दें, ठीक है। लॉकडाउन ये है कि सिस्टम बंद करते हैं और सबको बोले हैं कि किसी ने सिस्टम को ऑन नहीं करना, जो भी सिस्टम को ऑन करेगा उसको हम लोग फाइन कर देंगे या उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लॉकडाउन तो ये है, लॉकडाउन तो ये है कि आप कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। लेकिन डेडलॉक ये है कि आप काम स्टार्ट करें, आप काम स्टार्ट कर दें, ठीक है, और आपके पास जो है वो कस्टमर नहीं आ रहे, शॉप्स खुल गई हैं, सारा कुछ ओके है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे। कस्टमर कहाँ बिजी हैं जी, कस्टमर किसी और चीज में बिजी हैं, कस्टमर कहाँ बिजी हैं, कस्टमर के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो परचेजिंग कर सके, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो काम कर रहा है कि मैं पैसे कमाऊं, फिर बाजार जाऊं, बाजार से जाके मैं कुछ ना कुछ चीज परचेज करूं। तो इस तरह फिर हम लोग कहते हैं जी कहीं ना कहीं डेडलॉक अकर हो सकता है। जैसे वो डेडलॉक अकर होता है जी, मुतालबा नहीं माने जा रहे, मुतालबा नहीं माने जा रहे, मुजाकरात कामयाब नहीं हो रहे। तो जब मुजाकरात कामयाब नहीं होते ना, फिर डेडलॉक होता है। जब मुजाकरात कामयाब नहीं होते फिर डेडलॉक होता है। तो हमारा अभी मीटिंग का टाइम भी खत्म हो रहा है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको फर्दर फिर आगे कंटिन्यू